गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 अपॉन एक्स प्लस पी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बाय आर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी। हमें क्या दिया इस क्वेश्चन में, एक इक्वेशन गिवन है हमें 1 अपॉन एक्स प्लस पी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बाय आर, और बोला हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में कैसे इक्वल हैं और साइन में अपोजिट हैं। तो हमें उन रूट्स का प्रोडक्ट बताना है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, सॉल्व कीजिए आप। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वेशन दी हुई मुझे 1 अपॉन एक्स प्लस पी वन अपॉन एक्स प्लस पी प्लस वन अपॉन एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, ठीक है ना। और इसके रूट्स बोला हुआ है मुझे, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं पर मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, रूट्स इक्वल है पर मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में कैसे हैं, अपोजिट है। तो एक रूट्स अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस क्यू, ये एलसीएम आ गया, एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू, तो ये आएगा एक्स प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस पी ना। पहले हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं इसको, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, ओके, को मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू कितना है, 1 बाय आर। आर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और एक्स कितना हो गया, टू एक्स हो गया, तो ये आ गया टू आर एक्स प्लस आर क्यू प्लस पी आर, ये उधर उस तरफ पहुंच जाएगा, वन से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, ओके। एक्स स्क्वायर इस टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू, ये x कॉमन आ जाएगा, माइनस टू आर प्लस इधर कितना है पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक। सम ऑफ द रूट सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस टू आर, ठीक है। और हमें रूट्स क्या दिए, अल्फा और दूसरा क्या था, माइनस अल्फा, तो इनका सम कितना आ रहा है, जीरो, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस टू आर, ये टर्म कितना हो गया, जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस टू आर, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू टू आर, ठीक है, एक रिलेशन फाइंड हो गया। और मुझे जो ऑप्शन दिया हुआ पी और क्यू में दिया हुआ, आर में कहीं नहीं दिया हुआ है, और हमें बोल रहा हुआ है कि इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करना, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो कितना हो जाएगा, c अपॉन a होता है, तो यहाँ पर कितना है, कांस्टेंट टर्म पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, ठीक है। पर इसमें ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें r वाला टर्म भी आ रहा है, मुझे r को एलिमिनेट करना होगा, पी क्यू माइनस, यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू, ओके। अब r को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस रिलेशन का यूज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू, यहाँ से मैं r की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये आ गया पी क्यू माइनस r की जगह रख दिया पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू पी प्लस क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ पी प्लस टू टाइम्स ऑफ पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर अपॉन टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, टू पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर
माइनस टू पी क्यू अपॉन टू, माइनस प्लस टू पी क्यू कैंसिल हो गया, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन टू, यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन टू, तो ये प्रोडक्ट आ गया विथ माइनस साइन पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन टू, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो वॉज टेकन एज 17 इन प्लेस ऑफ 13, इट्स रूट्स वेयर फाउंड टू बी माइनस टू एंड माइनस 15, द रूट्स ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन आर, ऑप्शन है 3 एंड 10, माइनस 3 एंड माइनस 10, माइनस 5 एंड माइनस 18, नन ऑफ दिस, सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो वाज टेकन एज 17 इन प्लेस ऑफ 13, जो इक्वेशन दी हुई मुझे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, उसमें जो एक्स का कोफिशियंट है वो क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए, पर गलती से क्या ले लिया, 70 ले लिया है। रूट्स वेयर फाउंड टू बी माइनस टू एंड माइनस 15, तो उस वजह से जो रूट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, माइनस टू एंड माइनस 15। तुमसे पूछा क्या कि जो एक्चुअल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन है, उसके रूट्स पूछे हुए हैं। देखिए मुझे इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ओके, पी की जगह हमने क्या ले लिया गलती से 17, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना, करेक्ट क्या है 13। ठीक है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो हमने 70 ले लिया जो कि इनकरेक्ट है, और करेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए उसकी जगह 13 होना चाहिए, तो इस वजह से गलत वाले केस में हमें रूट क्या मिल रहा है, एक रूट मिल रहा है कितना माइनस टू और दूसरा कितना मिल रहा है माइनस 15। ठीक है, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी क्यू क्यू अपॉन वन दिस इक्वल टू कितना माइनस 15 टू माइनस टू कितना 30, तो क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई 30 हमें। अब यहाँ कहीं ये नहीं बोला हुआ है कि इसका प्रोडक्ट गलत है या प्रोडक्ट रॉन्ग है, प्रोडक्ट तो सही है, केवल क्या जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो हमने गलत ले लिया था, हमने 30 लेना था और हमने क्या ले लिया था 70 ले लिया था, उस वजह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना मिल रहा है 30, जिससे हमें क्यू की वैल्यू मिल गई 30, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो ओरिजिनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर और पी की वैल्यू क्या लेना था मुझे 13, ठीक है ना, करेक्ट इक्वेशन ये हो जाएगी 13x और प्लस क्यू की वैल्यू मुझे मिली चुकी है 30 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स आप आराम से बता सकते हैं, कितना हो जाएगा प्लस 10 प्लस 3 तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस 10 एंड माइनस 3, यानी ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, नोट कीजिए, क्या क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द अदर रूट, देन द वैल्यू ऑफ ए सी रेज टू पावर एन होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए रेज टू पावर एन इंटू सी होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो मुझे क्या बोला है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का क्या है nth पावर है, क्या इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसके रूट्स क्या बोल दिए मुझे, इसके रूट्स बोला हुआ है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा रेस टू द पावर एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां अगर मैं बात करूं, अब देखिए मुझे जो एक्सप्रेशन लेके आना, मुझे कहीं ना कहीं से ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ बी, है ना, ये मुझे ध्यान रखना है, इसमें कहीं भी मुझे अल्फा नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे दो ही चीजें पता है, या तो मुझे सम ऑफ द रूट्स पता होगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता होगा, तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है,
वो कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, होता है सॉरी सी अपॉन ए। तो यहां पर क्या दिया, अल्फा इंटू अल्फा रेस्ट टू द पावर एन, वो कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब यहां से अगर आप देखें तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस वन अल्फा रेस्ट टू पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां से मैं चाहूँ तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होल पावर, यहाँ पर अल्फा की पावर एन प्लस वन था तो यहाँ क्या आएगा, वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो ये मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, सम ऑफ द रूट्स। वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, अल्फा प्लस अल्फा रेस्ट टू द पावर एन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आप थोड़ा सा अगर यहां ध्यान देना, अभी मुझे ये एक्सप्रेशन कहीं से दिख नहीं रहा है जितना मैंने सॉल्व किया, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहां पर अल्फा की वैल्यू सी अपॉन ए होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन, तो कुछ कुछ इस फॉर्मेट में आना चालू हो गई। इस अल्फा की वैल्यू को उठा के मैं यहां रख देता हूं, ठीक है, तो अल्फा की जगह क्या रखा मैंने, सी अपॉन ए होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी अपॉन ए होल पावर, यहां पर एन था, एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, तो यहाँ ए इंटू सी रेस्ट टू पावर एन दिया हुआ, जबकि यहाँ ए रेस्ट टू पावर एन इंटू सी है, सी अपॉन ए के फॉर्म में नहीं है ये कहीं भी। अगर मैं इस ए को ऊपर ले जाऊंगा तो एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन में ए का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या बोले इस ए को इधर ट्रांसफर कर दिया, एक ही बात है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ए इधर आ गया, ए इंटू सी बाय ए होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए इंटू सी बाय ए होल पावर एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या बच रहा है, माइनस बी। ठीक, अब आप देखिए ये क्या, सी की पावर एन प्लस वन है और यहां पर ए रेस्ट टू पावर वन है और ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन है। इस ए को ऊपर ले जाऊंगा तो नेगेटिव में हो जाएगा एक्सपोनेंट, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये है ए की पावर वन इंटू ए की पावर माइनस में आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, इंटू सी रेस्ट टू द पावर कितना, वन अपॉन एन प्लस वन प्लस यहां पर देखिए ए रेस टू द पावर वन इंटू ए रेस टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस एन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी रेस टू द पावर कितना, एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा तो यहाँ ए की पावर क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी रेस टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी रेस टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक, अब ये देखिए ऐड हो जाएगा, एन प्लस वन एलसीएम हो जाएगा, एन प्लस वन माइनस वन, तो ये वन से वन कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे मिल गया ए ए रेस टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी रेस टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, प्लस यहां से क्या मिलेगा, देखिए वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन है तो एन प्लस वन एज एलसीएम हो जाएगा, एन प्लस वन माइनस एन तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ए रेस टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी रेस टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी, ऐसा कुछ आ गया। ठीक, अब यहां पर देखिए ये ए रेस टू पावर एन अपॉन एन प्लस वन है, सी रेस टू पावर वन अपॉन एन प्लस वन है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता था, ए रेस टू पावर एन होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन लिख सकता हूँ इसको मैं, ए रेस टू पावर एन और होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन, और यहां भी सी की पावर भी वन अपॉन एन प्लस वन है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इधर सॉल्व कर देता हूं मैं, ये मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, ये कितना आ गया, ए रेस टू पावर एन होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी रेस टू पावर वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, प्लस यहां पर भी देखिए ए रेस टू पावर वन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी रेस टू द पावर एन होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया ए रेस टू पावर एन इंटू सी
होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए इंटू सी रेस टू द पावर एन होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी। अब आप एक्सप्रेशन देखिए क्या था, ए इंटू सी रेस टू द पावर एन, ए इंटू सी रेस टू पावर एन होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए रेस टू पावर एन इंटू सी होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो इज कोइंसिडेंट देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, बताइए। देखिए क्या बोल रहा था इस क्वेश्चन में, हमें इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और जो दूसरी इक्वेशन दी है वो दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, और क्या बोला हुआ है कि इसका जो वन रूट है इसका एक रूट कैसा है, वन रूट इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट बोले या फिर कॉमन बोले एक ही बात है, एक रूट कॉमन है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो मुझे ए प्लस बी की वैल्यू बताना है, तो अगर वन रूट कॉमन होता उसकी कंडीशन पता ही है हमें, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मान लेते हैं हम वो कॉमन रूट क्या है उसको अल्फा बोल देते हैं हम, उसका क्या बोला कि वो अल्फा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, कितना आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू वन अपॉन कितना आ जाएगा, इसको छुपा लेंगे कितना बी माइनस ए। ठीक है, तो यहां से अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए एंड अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, अब इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए बी माइनस ए बी प्लस ए तो बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ बी प्लस ए और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है वन। ठीक है, यहाँ अल्फा की वैल्यू हम वन पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर वन यानी वन और ये माइनस साइन इसके साथ में आ जाएगा यानी बी प्लस या ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस वन, क्या आंसर हो गया माइनस वन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो आर, हमें एक इक्वेशन दी हुई है तो इसको बताना है कि इसके कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताइए। क्या इक्वेशन दी हुई है मुझे, मुझे बोला हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। अभी हम दो केस बना लेते हैं, पहले वाले केस में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक ऐसा अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये कैसा ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, तो वापस यहाँ इक्वेशन पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, फोर एक्स प्लस टू एक्स कितना है सिक्स एक्स, फाइव प्लस थ्री एट इज इक्वल टू जीरो, फोर और टू तो x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस फोर या फिर x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है मुझे
-2। और साथ में ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब पहले इसको भी थोड़ा समझें, यहाँ बोला है कि दिस शुड बी पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए अगर देखिए उसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो क्या मिलेगा, +3 और +1। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो मुझे यही तो मिल रहा है, x+3 × x+1 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो कुछ ऐसा होता था, यहाँ कहीं -∞ यहाँ +∞, ये मिलेगा -3, यहाँ कहीं मिलेगा मुझे -1 प्लस माइनस प्लस, मुझे पॉजिटिव रीजन लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स क्या होना चाहिए, तो एक्स कहाँ से कलाई करना चाहिए, x<-3> होना चाहिए, या फिर एक्स क्या होना चाहिए, >-1 होना चाहिए, पॉजिटिव वाला रीजन आ जाएगा, ग्रेटर है। या तो -3 से छोटा होना चाहिए एक्स, या फिर -1 से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखिए -3 से छोटी वैल्यू कौन सी है, -4 है, ठीक है, और -1 से बड़ी वैल्यू, ये -2 -1 से बड़ी है क्या, नहीं है, ये तो -2 जो है -1 से छोटी वैल्यू है ना, तो सेटिस्फाई क्या कर रहा है, केवल x=-4, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, क्योंकि वो -3 से कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पर एक रियल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x=-4। ठीक, सेकंड केस पे आते हैं, केस सेकंड, जबकि क्या होना चाहिए, mod x² x² + 4x + 3, ये अगर <0, तो फिर मॉडुलस कैसे ओपन होता है, विथ माइनस साइन x² + 4x + 3 = -(x²+4x+3), ऐसे ओपन होगा। ठीक है, अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी ये विथ माइनस साइन x²+4x+3+2x+5=0, दैट इज -x²-4x, और ये कितना है, +2x, तो क्या आ जाएगा, -2x, -3+5+2=0, यानी x²+2x-2=0, ये इक्वेशन मिल गई मुझे। ठीक है, अब अगर यहां पर देखें तो क्या रूट्स आ जाएंगे इसके, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, b²-4ac, यानी 4 - 4ac, 4 × 2 = 8, ये मिल रहा है मुझे 12। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ से x = -b, दैट इज -2 + -√12, √12 का मतलब क्या हो गया, 4 × 3 यानी 2√3/2a। ठीक है, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए कितना आ गया, ये आ गया -1 + -√3, ये 2 रूट मिला मुझे, एक क्या मिला, यहाँ से एक रूट मिल रहा है x = कितना, -1 + √3, दूसरा मिल रहा है x = -1 - √3, ये 2 रूट मिल रहे हैं। पर ये बोल रहा था कि x² + 4x + 3 दिस शुड बी <0, ये <0 होना चाहिए, तो अब इसके लिए कौन सा रीजन आ जाएगा, ये बीच वाला रीजन आ जाएगा, यानी जो मेरे रूट्स आ रहे हैं वो -3 से -1 के बीच में होना चाहिए। अब इन दोनों से हम देख लें कि -1 से -3 के बीच में कौन से रूट्स लाई कर रहे हैं, √3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 1.73, तो 1.73 में से ये 1 माइनस किया तो कितना आ गया, ये 0.73 आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव में मिलेगा 1.73 और 1, तो अप्रॉक्स 2.73 आएगा ये नेगेटिव में। अब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू -3 से -1 के बीच में होना चाहिए, तो -3 से -1 के बीच में देखिए ये मिल जाएगा मुझे -2.73, ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है जो इसके बाहर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = -1 - √3, ये तो ऐसे 2 रूट पॉसिबल होंगे, एक यहाँ से और एक हमें यहाँ से मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट्स, तो ये आंसर होगा। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + px + q = 0 एंड α⁴ β⁴ आर द रूट्स ऑफ x² - rx + s = 0, देन द इक्वेशन x² - 4qx + 2q² - r = 0 हैज ऑलवेज 2 रियल रूट्स, 2 पॉजिटिव रूट्स, 2 नेगेटिव रूट्स, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स। कीजिए जरा सॉल्व।
चलिए देखते हैं क्या बोला। पहली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट दे दिया अल्फा बीटा, और जो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो, उसके रूट दिए अल्फा रेस्ट टू पावर फोर बीटा रेस्ट टू पावर फोर। ठीक है, तो हमें जो तीसरी इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू एक्स प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स के बारे में बताना है कि दोनों रूट्स कैसे होंगे, दोनों रियल होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, कि एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव होगा। ठीक है, देखिए पहली इक्वेशन दी हुई मुझे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट दिए अल्फा बीटा, ये इसके रूट्स दिए हैं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, सम ऑफ द रूट माइनस पी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिल जाएगा क्यू। ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट दे दिए अल्फा रेस्ट टू द पावर फोर बीटा रेस्ट टू द पावर फोर, ये इसके रूट दे दिए। इस केस में सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, अल्फा रेस्ट टू द पावर फोर प्लस बीटा रेस्ट टू द पावर फोर, वो कितना आ जाएगा आर के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा रेस्ट टू द पावर फोर इंटू बीटा रेस्ट टू पावर फोर, वो आ जाएगा एस के इक्वल। ठीक है, थर्ड इक्वेशन दी हुई है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू एक्स प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स के बारे में हमें बात करना है। अभी हमने पहले पढ़ा हुआ था कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ए और सी के साइन कैसे होते हैं, अपोजिट हैं, तो इसके जो रूट्स होंगे उनके भी साइन अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ए और सी अगर सेम साइन के हैं तो रूट्स भी सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होना किस बात पर डिपेंड करेगा, बी के साइन के ऊपर। तो पहले तो मैं ए और सी के साइन देख लूँ कि ए और सी जो है सेम साइन के हैं या फिर अपोजिट साइन के हैं, तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना चाहिए, इनका प्रोडक्ट देखना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसके प्रोडक्ट की बात कर लेता हूं। तो जो भी इनके रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताइए, इसके प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो यहां पर देखिए टू क्यू स्क्वायर माइनस आर अपॉन वन, ये इसका प्रोडक्ट है टू क्यू स्क्वायर माइनस आर। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये टू क्यू स्क्वायर माइनस आर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब इसको देख के तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये आर और क्यू में रिलेशन दिया हो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। तो यहां से देखिए अगर मैं क्यू की जगह क्या पुट कर दूं, अल्फा बीटा, यहां से मैं क्यू की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, अल्फा बीटा, तो मैं यहां से क्यू की जगह रख देता हूँ अल्फा एंड बीटा, तो ये आ गया टू टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस आर। आर को मैं यहां से ले लेता हूँ, आर की जगह कितना अल्फा रेस्ट टू पावर फोर प्लस बीटा रेस्ट टू पावर फोर, तो ये ले लिया मैंने अल्फा रेस्ट टू पावर फोर प्लस बीटा रेस्ट टू पावर फोर, ये आर की वैल्यू ले ली मैंने, ये कितना हो गया आप ध्यान दें तो टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा रेस्ट टू पावर फोर माइनस बीटा रेस्ट टू पावर फोर। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या कि अल्फा रेस्ट टू पावर फोर प्लस बीटा रेस्ट टू पावर फोर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। इसका मतलब यही तो हुआ, ये अगर मैंने माइनस कॉमन लिया था तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव आ रहा है। और ये नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, ये कैसा मिल रहा है मुझे नेगेटिव, और ये नेगेटिव मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसा है, इसका नेगेटिव है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा सी, यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात करें तो सी अपॉन ए मिलता था, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके नेगेटिव आने का मतलब यही हुआ कि
सी और ए कैसे होंगे, अपोजिट साइन के साथ होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये मतलब हुआ ना, ए और सी अपोजिट साइन के साथ होना चाहिए तभी ये नेगेटिव आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो ये रेशियो कैसा आता, पॉजिटिव आता, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आता। यहाँ पर क्या आ रहा, प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही रूट्स क्या इमेजिनरी तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर दो इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में होते हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा आता, पॉजिटिव आता है। इसका मतलब रूट्स कैसे रियल हैं और दोनों डिस्टिंक्ट रूट है। अब रियल है और दोनों के साइन भी कैसे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव आना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट विथ अपोजिट साइन। मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ओके नोट कीजिए, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, वेयर सी नॉट इक्वल टू जीरो, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू। हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी। इस इक्वेशन के रूट क्या दे दिए हमें, अल्फा एंड बीटा। तो हमें बताना है कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, सॉल्व कीजिए। देखिए क्या दिया, पहले इक्वेशन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है ना, वेयर सी नॉट इक्वल टू जीरो। भाई मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो गई मेरी। अब इसके रूट्स क्या दे दिए मुझे, देखिए इसके रूट्स दिए हुए अल्फा एंड बीटा। ओके अल्फा बीटा इसके रूट दे दिए। अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, दैट इज एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन थी मेरी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको मैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, क्या रूट्स हैं, अल्फा बीटा दैट इज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो एक्स माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा, एक्स माइनस बीटा दूसरा फैक्टर होगा, तो उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां से अगर मैं इस सी को उधर ट्रांसफर कर दूं तो ये कुछ ऐसे ही तो बच रहा है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी। अब ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन हो गई, और ये इसका क्या आ गया, फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, ए और बी है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एक ऐसी इक्वेशन हो जाएगी जिसके फैक्टर क्या हो गए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो दैट इज रूट्स क्या हो गए इसके। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, अगर ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो जाएगी, तो इसके रूट्स क्या हो गए, यहाँ से बताइए इसके रूट्स हो जाएंगे कितने, ए एंड बी, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, ये इसके रूट हो जाएंगे। तो मुझे यही तो पूछा था इस क्वेश्चन में, देखिए तो इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तब इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स होंगे ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस लैम्डा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लैम्डा हैज द लीस्ट वैल्यू। हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इस इक्वेशन की वैल्यू कैसी हो, लीस्ट हो, बताइए जरा क्या दिया है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है,
हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। रूट्स भी इसको मान लेते हैं हम क्या अल्फा एंड बीटा। तो हमें क्या बताना है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बोला हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ये इसकी वैल्यू लीस्ट होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हम निकाले पहले, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम आराम से बता सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा थ्री माइनस लैमडा विथ माइनस साइन, माइनस थ्री माइनस लैमडा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो कितना है टू माइनस लैमडा, तो टू माइनस लैमडा। ठीक, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना थ्री स्क्वायर नाइन प्लस लैमडा स्क्वायर माइनस सिक्स लैमडा माइनस फोर प्लस टू लैमडा, ये आ गया कितना लैमडा स्क्वायर माइनस सिक्स लैमडा प्लस टू लैमडा माइनस फोर लैमडा, नाइन माइनस फोर प्लस फाइव। अब क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू बताना है तो इसको लीस्ट वैल्यू के लिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर और फिर कितना टू इन टू ए बी वाला जो टर्म होगा, तो माइनस फोर लैम्डा प्लस टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर, तो यहाँ क्या बच रहा है वन प्लस वन। इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी वन, इससे छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फॉर लीस्ट वैल्यू, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी लीस्ट वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा शुड बी इक्वल टू टू। लैम्डा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए टू होना चाहिए। अगर ये लैम्डा की वैल्यू टू होती है तो देखिए टू माइनस टू ये टर्म कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तब मुझे वन मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टू, ये आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज, हमें इक्वेशन दी हुई है 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स का प्रोडक्ट बताना है हमें, बताइए। देखिए क्या इक्वेशन दी हुई थी हमें, 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था 9 ऑफ मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 18 मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 9 फाइव जा 45 माइनस 15 माइनस 3, बस कुछ ऐसा आ गया ये, यानी जो मॉड ऑफ x की वैल्यू आएगी इसका रूट्स आएगा वो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 9, या फिर यहाँ से मिलेगा कितना माइनस 3 मिल जाता उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा 3 अपॉन 9, दैट इज मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 5 अपॉन 3, यहाँ से मिलेगा मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन 3, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 5 अपॉन 3, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1/3। हमसे क्या बोला था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट क्या है भाई, देखिए यहाँ से 5/3 प्लस 5/3 इंटू माइनस 5/3 इंटू 1/3 इंटू माइनस 1/3, क्योंकि चार रियल रूट होंगे तो कितना आ गया ये 25 अपॉन 81, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है।
इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब अपॉन बीटा रेस्ट पावर 5 होल पावर 1/8, बीटा क्यूब अपॉन अल्फा रेस्ट पावर 5 होल पावर 1/8 इज, बताइए। देखिए क्या इक्वेशन दी थी हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके रूट्स दिए हैं हमें अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू 64, अल्फा इन टू बीटा कितना मिल जाएगा मुझे 256, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की हमें, इसकी वैल्यू बतानी है अल्फा क्यूब अपॉन बीटा रेस्ट टू द पावर 5 होल पावर कितना दे दिया 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा रेस्ट टू द पावर 5 होल पावर 1/8। अब मैं इसको कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, देखिए अल्फा की पावर 3/8 हो जाएगा ये अपॉन बीटा रेस्ट टू पावर 5/8 प्लस इधर हो जाएगा बीटा रेस्ट टू पावर 3/8 अपॉन अल्फा रेस्ट टू पावर 5/8। ये एलसीएम ले लेता हूं मैं, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर अल्फा रेस्ट टू पावर 5/8 इंटू बीटा रेस्ट टू पावर 5/8, को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर 3/8 प्लस 5/8, 3/8 प्लस 5/8 कितना हो गया 8/8, दैट इज अल्फा। यहाँ पर भी ये होगा बीटा रेस्ट पावर 3/8 प्लस 5/8, 8/8 यानी 1 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल पावर 5/8, ठीक है। बस यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देना है मुझे, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 64 है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया इसको क्या 64 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 256 है, तो 256 होल पावर 5/8, तो ये हो जाएगा 64 और ये 256, ये 2 रेस्ट टू पावर कितना होता है 8 होता है, इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 256 को 2 रेस्ट टू पावर 8 इनटू होल पावर 5/8 था, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो कुछ ऐसा आ गया 64 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 5 दैट इज 32, 64 अपॉन 32 क्या आंसर आ गया 2, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके okay?